विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत सहरसा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सलखुआ प्रखंड में सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा, निषाद समाज के आरक्षण की जो बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे, जो हमारा हक नहीं देगा हम उसके साथ नहीं रहेंगे। मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार हमने ऐसी दवा बनाई है जैसी दवा आपने कोरोना काल में देखी होगी। ये ऐसी वैक्सीन है कि यहाँ लगाने पर दिल्ली की कुर्सी हिलेगी। दिल्ली को इस बार सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जिन्हें लगता है कि हम निषाद के बेटों का वोट खरीद लेंगे तो सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उस वैक्सीन का नाम है गंगाजल। जब आप इसके साथ संकल्प लेंगे और वीडियो बनेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएगा और वो देखकर मान लेंगे कि अब निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है। अब निषाद का बेटा वोट उसी को देगा जो उसके बच्चों के बेहतर भविष्य की बात करेगा। मुकेश सहनी ने मंच से सभा में उपस्थित लोगों के हाथों में गंगाजल देकर कसम खिलाई कि इस बार सभी लोग मुकेश सहनी के साथ रहेंगे। उधर मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत दरभंगा भी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। हमें तो आरक्षण चाहिए, जो हमारा हक अधिकार देगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमारा हक अधिकार नहीं देगा हम उनके साथ नहीं रहेंगे। वो आएंगे आपको वोट खरीदने के लिए, लेकिन इस बार हम भी ऐसी दवा बनाई है जैसे कोरोना काल में आप देखे होंगे देश के डॉक्टर ने दवा बनाया था, वैक्सीन बनाया था देश को, लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हम भी वो दवा बनाए हैं, ऐसा वैक्सीन बनाए हैं कि लगाइएगा यहाँ और कुर्सी हिलेगा दिल्ली में। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष